सी एस सीएसएस और आज की सीएस की वीडियो में हम जानने वाले सी एस में ग्रेट कंटेनर असल में होते गए हैं तो ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है सी एस एस के ऊपर जिसमें हम ग्रेट कंटेनर के बारे में जानने वाले

in is what a grid container so in today's video you whole concept will be clear about it so let's get started without wasting your any time and let's learn about in the CS, what a grid container so let's learn about it so she has a grid container grid container to make the an html we have as a grid container you have to set the display property to grid or inline grid Grid कंटेनर्स कंसिस्ट ऑफ grid आइटम्स प्लेस inside columns कॉलम्स और इसका मतलब है कि जो हमारे जो टू मेक अगर हमने मेक करना है हमारे एलिमेंट को बिहाव एस ग्रेड कंटेनर आपको सेट करना होगा और डिस्प्ले करना होगा प्रॉपर्टी को ग्रेड या फिर इनलाइन ग्रिड। और ग्रेड कंटेनर कंस होते हैं ऑफ ग्रेड आइटम्स जो प्लेस होते हैं अंदर कॉलम्स के ऑन रोस द ग्रेट टेम्परेड कॉलम्स की प्रॉपर्टी द ग्रिड टेम्परेट कॉलम्स की प्रॉपर्टी डिफाइंस करती है नंबर वो भी कॉलम्स की इन आपके ग्रिड के लेआउट में और ये डिफाइन कर सकता है द वर्थ वो भी ईच कॉलम की द दर्थ ऑफ ईच कॉलम जो द वैल्यू जो वैल्यू होती है वो स्पेस सेपरेटेड होती है ले जहाँ पर हमारी ईच वैल्यू है वो डिफाइंस करती है द दर्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम अगर आप चाहते हो आपकी ग्रिड लेआउट कंटेन करे चार कॉलम्स और स्पेसिफाई करे वर्थ ऑफ द फोर कॉलम्स या या फिर ऑटो अगर हमारी सारे कॉलम्स शुड द सेम अगर सारे कॉलम के पास सेम वर्थ है फॉर एग्जाम्पल देख हमारी एग्जाम्पल है इसमें मेक कर रहे हैं ग्रेट वेट फोर कॉलम्स के साथ इसमें हमने डॉट ग्रेड कंटेनर दिया हुआ है इसमें डिस्प्ले ग्रेट ग्रेड टैम्पलेट कॉलम्स ऑटो तो ऑटो तो ऑटो तो डी हुई है कॉपी करें यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इेस करते हैं इधर आते हैं नई विंडो बनाते हैं फाइल का नाम दे देता हूँ इंडेक्टोल एच डी एम एल डॉक्यूमेंट्स पर फाइल बना देता हूँ यहाँ पे इनकोड को पेस्ट कर देता हूँ इधर सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड दिया ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम ऑटो तो ऑटो तो दिया सही है सेव करता हूँ यहाँ पे आया डॉक्यूमेंट्स पे फाइल ओपन की इस तरीके का आ रहा है अगेन मैं यहाँ पे ग्रेड स्प्ले ग्रेड और ग्रेड टेम्परेट कॉलम शॉर्ट ऑटो हटा दूँ तो कुछ तरीके का आएगा अगर मैं ये लगा दूँ तो अब इस तरीके का आएगा ये देख सकते हैं तो नोट डैट इफ़ यू हैव अगर आपके पास मोर uh, देन अगर आपके पास ज़्यादा इन चार आइटम्स इन कॉलम्स फोर uh, कॉलम्स ग्रिड के अंदर जो ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगी नहीं रो बुट कटने के लिए आइटम्स को उनके अंदर द ग्रेट टैम्पलेट कॉलम्स देखें जो ग्रेट टैंपलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी है वो ऑल्सो भी यूज करती है द स्पेसिफाइड साइज वो भी विथ ऑफ द कॉलम्स की यह एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में सेट कर रहा साइज वो भी फॉर द फॉर फोर कॉलम्स इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्टेट ना सो यू विट और रन तो अब इस तरीके का आ रहा है आप ये देख सकते हो क्लोज करते हैं नीचे जो ग्रिड टेम्पलेट रोज की प्रॉपर्टी द ग्रिट टेम्पलेट रोज की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है हाइट वो भी ईच रो की देखें जो वैल्यू है वो सेपरेटेड है लिस्ट से जहाँ पे हमारी ईच वैल्यू डिफाइन करी हाइट वो भी रिस्पेक्टिव रो की इस एग्जाम्पल में हमने वैसे ही किया हुआ है कुछ अगर मैं इसको पेश करूँ इस तरह हमने डिस्प्ले ग्रेड दी थी और ग्रेड टेम्पलेट रोज दी थी जिसमें हमने 80 पिक्सल 200 पिक्सल दिखा था अब सेव करूँगा रन करूँगा अब देखें आउटपुट इस तरीके का दे रहा है ये देख सकते हैं पिछले टू वाले में हमें इतना बड़ा क्यों दिया क्योंकि इसमें ही हमने ए, टू हंड्रेड पिक्स कर दिया अगर मैं ट्वेंटी कर दूँ तो इस तरीके से हो जाएगा ये देख सकते हैं अगर मैं टू हंड्रेड कर दूँ तो सही है द जस्टिफाई कॉन्टेंट की प्रॉपर्टी द जस्टिफाई कॉन्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ होती है अलाइन करने के लिए होल ग्रिड को अंदर कंटेनर के नोट डेट ये आपने नोट कर लेना है जो हमारी ग्रिड्स की टोटल है टू भी वो लेस होती है कंटेनर्स और विथ फॉर फॉर किसके लिए जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के लिए टू हैव किस लेने के लिए एनी इफेक्ट कोई सा भी इफेक्ट इस एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसे कि इस एग्जांपल में हमने डिस्प्ले कर दिया है जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस इवनली इसको सेव करता हूँ रन करता हूँ तो देखें इस तरीके आ गया इसमें हमने असल इस में क्या किया था इसमें हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट एंड स्पेस ई मेल नहीं दिया था सेंटर नहीं दिया था डैश फाइ इस तरीके का आ रहा है हमारा अब फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारी एग्जाम्पल है जिसमें हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट दिया है स्पेस अराउंड स्पेस अराउंड आपको दिखा के देखता हूँ सेफ अराउंड तो अभी भी इस तरीके का ही आ रहा है देख सकते कोई बदलाव नहीं आया अब देखें यहाँ पे आते अब इसमें हमने स्पेस बिटवीन दिया अब स्पेस बिटवीन भी करके देख लेते हैं करता हूं, रन करता हूँ अब स्पेस बिटवीन में खुद इस तरीके से यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे अब इसमें जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर दिया हुआ इन्होंने सेंटर देख देख रे, लेते हैं ऑब्वियसली शायद सेंटर में ही आएगा रहेगा सेंटर में आ गया अब यहाँ पे इन्होंने जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट दिया हुआ स्टार्ट दे के देखते हैं में भी यहाँ पे राइट पे आ गया अब यहाँ पे इन्होंने एंड दिया हुआ एंड देख ले देखते हैं एंड मगर इस तरीके से एंड में आ गया और अगर एफ ट्वेल्व करें तो रिस्पॉन्स में भी बिल्कुल सही से आ रहा है तो इसको बंद कर देते हैं अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी द अलाइन कंटेन प्रॉपर्टी यूज होता है टू वर्टिकल अलाइन करने के लिए पूरे होल ग्रिड को अंदर कंटेनर के नो no डैट जो हमारी ग्रिड्स होती है उसकी टोटल हाइट हैज बी लेस होती है देन कंटेनर हाइट से फॉर किसके लिए फॉर द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के लिए टू हैव किसी uh, लेने के लिए खुद टू हैव एनी इफेक्ट कोई सा इफेक्ट तो जैसे कि इस में आपको दिख रहा होगा इसमें हमने डिस्प्ले ग्रे दी है हमने हाइट इस तरीके से दी है चले आए देख के इसको देख करते हैं और देखते हैं अब सेव करता हूँ रन करता हूँ इस तरीके का आ गया ऐसा क्यों आ रहा है क्योंकि इसमें हमने हाइट थोड़ी बढ़ा दी है डेट्स बाय एनी अब इसमें हमने अलाइन कॉन्टाइन स्पेस ईमेल देख लेते हैं सेव किया रन अब इस तरीके का आ रहा है और हाइट हम लोग ऐसे करते हैं हटा देते हैं सेव तो इस तरीके का है अब इधर इन्होंने स्पेस अराउंड दिया अब स्पेस अराउंड करके देख लेते हैं सेव और राइट स्पेस अराउंड कुछ इस तरीके का आ रहा है और यहाँ पे आप स्पेस बिटवीन करके देख लेते हैं हम लोग सेफ रन स्पेज बिटवीन में भी कोई बदलाव नहीं आया लेकिन अगर हम हाइट फोर हंड्रेड पिक्सल्स करके देखें वे भी इतना कोई बदलाव नहीं आया इधर आते हैं अब इन्होंने स्टार्ट दिया हुआ अलाइन कॉन्टेंट यहाँ पे स्टार्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं आया यहाँ पे आ जाते हैं वापसी बट की फाइल में यहाँ पे अब इन्होंने एंड पे किया हुआ है एंड फोर हंड्रेड पिक्सल्स और इन्होंने एंड दिया हुआ है अब एंड पे सेव किया रन किया अब यहाँ पे कुछ तरीके का आ रहा है देख सकते हैं एंड जब हमने किया तो अब ये कुछ इस तरीके का आ रहा है तो देखें यह हमने आज की वीडियो में जाने के सी की आज की वीडियो हमने जाने के सी में सी में ग्रेट कंटेनर्स में होते हैं ना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर आई होगी अगर पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें दोस्तों फैमिली का लोग वीडियो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे कर नंबर भूलेंगे ताकि जो मेरी ऐसी इस तरह की वीडियोस से सी के बढ़ो मिस नहीं कर पाओगे